पिछले 6 साल से ये स्पाइडर प्लांट मेरे बागीचे पे है। मैंने इनके बेबी प्लांट्स को अलग करके बहुत सारे पॉट्स भी बनाए हैं और उनमें से डॉटर प्लांट्स निकल रहे हैं। तो दोस्तों, आज की विषय थोड़ा अलग है। जो बेबी प्लांट्स आपको लटकते हुए दिखाई दे रहा है, उन्हें आज काट के पानी में रखेंगे और ताज़ा बनाएंगे। ऑन कैमरा पता नहीं चल रहा है, आंखों से लाइव देखेंगे तो पता चलेगा। ये बेबी पप्स मुरझा चुका है, कुछ 3-4 छोड़ देंगे और ऑलमोस्ट सारे मुझे काटना है। मैंने लास्ट स्पाइडर प्लांट के एपिसोड में आप लोगों से पूछा था कि बेबी प्लांट्स को हटाए या नहीं, तो कई लोगों ने मना किया। आप चाहे तो वो वीडियो भी देख लीजिए, लेकिन आज मुझे 1 साल बाद इन्हें काटना है। तो दोस्तों, क्यों काट है वो भी बता देती हूँ। इतने डॉटर प्लांट्स निकल आए हैं तो एक पौधा से नरिशमेंट पहुँचना मुश्किल हो रहा है, इसलिए सब धीरे धीरे मुरझा जा रहे हैं और इनका जड़े भी बहुत ज़्यादा निकल आए हैं। धीरे धीरे इनको मिट्टी की आवश्यकता हो रहा है, अब तो इनको हटाना ही मुनासिब है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड की फर्स्ट पार्ट दिखाएंगे। हमें बस कुछ नहीं करना, सिर्फ खराब पत्तों को हटा के सफाई से बेबी प्लांट्स को ऐसे पानी में कुछ दिन के लिए रखना है। मानिए 1 महीना या फिर 25 दिन, आप खुद समझ जाएंगे कब पौधा फ्रेश एंड हेल्दी बन गए हैं। अभी तो सब बेजान है। तो दोस्तों, आपके पौधा भी अगर ऐसा कंडीशन है तो आप भी बेबी प्लांट्स काट के उन्हें पानी में रखिए। अगर आपका शहर ड्राई है या फिर गर्मी है तो आप इन्हें पानी में रख सकते हैं, लेकिन मेरे शहर में हर दिन बारिश हो रहा है अप्रैल से अब तक। तो फ्रेंड्स, मैं इन सबको मिट्टी पे शिफ्ट कर दूंगी, तो सेकेंड पार्ट जरूर देखिए। आज तो मैं मिट्टी पे नहीं शिफ्ट कर पाऊंगी क्योंकि इन्हें पानी में मुझे एटलीस्ट 25 दिन या फिर 1 महीना रखना है। यहाँ पर कुछ स्पाइडर प्लांट्स हैं, मैंने बेबी प्लांट्स लगाए थे पर अब ये मदर प्लांट हो चुका है। यहाँ पर ऑक्सिलिस ट्रायंगुलरिस पौधा है, देखिए फ्रेश एंड हेल्दी, बिल्कुल फंगस अटैक नहीं है। दोस्तों, पौधों पर रूटीन नीम ऑयल और बेबिस्टिन स्प्रे कीजिए, उन्हें अटैक के बाद स्प्रे मत किया कीजिए। आप ये मत सोचिए पौधा तो बिल्कुल ठीक है तो फिर हम क्यों बेबिस्टिन स्प्रे करें। ये देखिए, ये मारांटा का पौधा है और मारांटा पर फूल भी खिले हैं। प्रोपगेशन बहुत इजी है, आप इनके छोटे से स्टेम काट के बस मिट्टी पे लगा डालिए, कुछ फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। स्पाइडर प्लांट को पानी और धूप समझ के देना चाहिए। अगर हम ये बताएं कि स्पाइडर प्लांट बिल्कुल छांव की पौधा है तो सही बात है, पर मेरे यहाँ इतना बारिश, इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी, इसे कभी कभी धूप पे रखना पड़ता है। पर छांव पे रहते रहते इस पौधा को धूप बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए फिल्टर्ड सनलाइट पे रखे हैं मैंने कुछ दिन। बारिश में सभी पौधों को फंजीसाइड स्प्रे ज़रूरी है। मैंने बेबिस्टिन स्प्रे किए थे कुछ दिन पहले, महीने में 2 बार। तो दोस्तों, मॉनसून टाइम आप पौधों पर इन्फेक्शन की इंतज़ार मत कीजिए, बस बेबिस्टिन स्प्रे कीजिए। 5 लीटर पानी में 2 चम्मच काफ़ी है, अच्छी तरह घोल के स्प्रे कीजिए, महीने में 2 बार नहीं तो 1 बार ही सही, और नीम ऑयल लिक्विड सोप के साथ मिला के महीने में 2 बार ज़रूर कीजिए। आपका पौधा खुश, आप भी खुश। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक शेयर कीजिए और बेल बटन क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये है मेरी बागीचे की छोटी सी झलक, ये है पिकॉक जिंजर पौधा। कुछ मॉस रोज खिला है यहाँ पर, मधुमालती भी खिला है और यहाँ पर कई सकुलेंट्स है मेरे यहाँ, देखिए मधुमालती, जैस्मिन, पेपरोमिया है यहाँ पर, और ये देखिए ये है पेपरोमिया और ये है एक किस्म के कैलाथिया। सब पौधा दिखाना तो मुश्किल है, बस आप बता दीजिए आपको कौन कौन सा पौधा किस विषय पर देखना है या फिर सब पौधा देखना है एक साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड और इस एपिसोड की सेकेंड पार्ट हम 1 महीने बाद दिखाएंगे। तब तक आप बाकी वीडियोज़ देखिए। बाय बाय।